वेलकम बैक टू सारे इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज मैं लेके आया आपके लिए ऑर्डिनरी कूलर की रिवाइंडिंग। ये देखिए इसका रनिंग का फर्मा दोस्तों हमने से 25.5 इंच पर सेट किया और इसे दोस्तों हम एलुमिनियम से वाइंडिंग करेंगे। आपने देखा होगा जो आपकी कूलर की किट होती है उसमें एक बड़ा साइज होता है, एक छोटा साइज, नॉर्मल साइज जो आता है उसमें आप बिलोर की मोटर भी लगाते हैं। सिम्फनी कूलर की जैसी आती है उस तरीके की ये लोकल मोटर है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस तरह की कोई भी आपके पास छोटी किट आती है उसे आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं और इसे हम दोस्तों एलुमिनियम से वाइंडिंग करेंगे। इसमें हम दोस्तों रनिंग के अंदर 28 नंबर से 100 टर्नर डालिए, 100 टर्नर डालिए और सिंगल डबल राउंड लेंगे। इसकी पिच रहेगी दोस्तों 4/6 और जो भी जानकारी चाहिए डेटा से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके डेटा देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकें। और दोस्तों प्लीज़ 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 मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जब मैं अपनी वीडियो को एनालाइज़ करता हूँ तो दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं दोस्तों, अंत तक भी नहीं देखते हैं दोस्तों। ये भी आपसे कहूँगा, गुजारिश करूँगा, आप वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। बहुत 90% लोग दोस्तों हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे दोस्तों मैं अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। दोस्तों प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए दोस्तों हमारा पहला कॉलर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों इसका फर्मा हमारा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आया है। कॉइल को हमेशा सेट करता चलता हूँ मैं। ये देख लीजिए स्टार्टिंग के लिए प्रॉपर स्पेस है हमारे पास। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसके दो कॉइल रोड डाल लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखिए अब आपको दिखाया था लास्ट कॉइल डाल के रनिंग का सिंगल डबल राउंड, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक स्लॉट में एक ही राउंड घूमेगा और दूसरे स्लॉट में डबल राउंड, तो ये सिंगल डबल राउंड हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों दूसरे स्लॉट में पहला राउंड और ये अब डबल राउंड, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिंगल डबल राउंड। इसकी पिच रहेगी दोस्तों 4/6, यानी कि जो उसकी 4 पिच है 4 नंबर पे उस पर 4/1 यानी कि 1 राउंड, और जो 6 पिच है उस पर 6/2, तो यानी कि छठी पिच पे 2 राउंड। जो भी जानकारी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देखिए रनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों हमेशा देखिए फर्मा आप इस तरीके से सेट करेंगे जो स्टार्टिंग आपके आसानी से डल सके। ये देखिए आपके सामने है स्टार्टिंग के जो स्लॉट बीच में छूटे हुए हैं बिल्कुल प्रॉपर दिख रहे हैं। अब ये देखिए कॉइल को सेट करते चलेंगे जॉनसन टेप लगाने से पहले। उसके बाद जॉनसन टेप को दोस्तों हमेशा 2 भाग में लगाइए ताकि गोलाई इसकी प्रॉपर आ सके। और दोस्तों आप कई बार ये सोचते होंगे मैं एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करता हूँ। दोस्तों जब भी कोई चीज़ आप बार बार सुनते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल एकदम बैठ जाती है। जब आप उस काम को करेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड आपको ऑटोमेटिक उस चीज़ के लिए पहले इन्फॉर्म कर देगा कि आपको ये चीज़ कहाँ करनी है। ये देखिए आप कनेक्शन कर लेंगे, ये देख लीजिए मैं आपको बताया था। ये देखिए पहला सिरा कॉइल का, ये देखिए इसमें जोड़ेंगे और ये बीच का हमें सिरा छोड़ देना है। इस तरीके से दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कम्प्लीट कर लिए हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन किए हैं, यानी कि बीच में एक सिरा छोड़ के एक सिरा। अगर आप इकट्ठे कॉइल बना के डालते हैं तो आपको कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, आप इकट्ठे करके भी डाल सकते हैं। मेरे को दोस्तों शुरू से आ जाता है तो मैं अलग अलग कॉइल इसी तरीके से डालता हूँ। और दोस्तों जोड़ लगाने से भी कोई परेशानी नहीं आती है। कई बार मेरे भाई पूछते हैं वीडियो में कि आप जोड़ लगाते तो जोड़ में लगाने से कोई परेशानी आती है क्या? दोस्तों कोई परेशानी नहीं आती, आपके जोड़ प्रॉपर होने चाहिए और स्लिप से कवर होने चाहिए, तो इससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों जोड़ लगाने के बाद अपने कनेक्शन जो कॉयल है अच्छी तरह उन्हें जॉनसन टेप से कवर करते चले, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए दोस्तों जब मैं टेप को 2 भाग में लगाता हूँ तो देखिए जो एकदम कॉयल एकदम बिल्कुल यू जो होता है उसकी गोलाई एकदम बिल्कुल एकदम फिनिशिंग सही आती है, जो कि आपको स्टार्टिंग डालने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए दोनों साइड से हमारी टेप कम्प्लीट हो चुकी है और 24.5 इंच पे स्टार्टिंग का फर्मा सेट किया हमने। और दोस्तों स्टार्टिंग डालने से पहले हमेशा ये देखिए पेपर दबा लेंगे, जहाँ हमने सिंगल राउंड डाला था उस पर हमारा स्टार्टिंग का पहला राउंड चढ़ के आएगा। ये देख लीजिए इसमें डालिए दोस्तों हमने स्टार्टिंग में 30 नंबर से 120 टर्न है, सिंगल डबल राउंड रहेगा। और ये पेपर डालने दोस्तों हम ग्रीन शीट है, ये देख लीजिए। ये देखिए पहला हमारा जो कॉयल है
वो स्टार्टिंग पे स्टार्टिंग का जो पहले कॉइल है वो रनिंग के देख लिए पहले कॉइल पे चढ़ के आया है जिस पर हमने सिंगल राउंड डाला था। अब ये देखिए स्टार्टिंग का जो खाली स्लॉट है इसमें हम दो राउंड डालेंगे तो ये सिंगल डबल राउंड कम्प्लीट हो जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए इसकी पिच भी दोस्तों 4-6 है, यानी कि 4 पे 1 राउंड और 6 पिच पे 2 राउंड। तो इस तरीके से आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में लोग बाग लिख देते हैं 6 पे 1 या 6 पे 2, तो 6 पे 2 राउंड का मतलब यानी कि 6ठी पिच पे 2 राउंड, 4 पे 1 लिख देते हैं तो यानी कि 4 पिच पे 1 राउंड कॉइल को एक बार डालेंगे। और ये देखिए स्टार्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट नहीं हो चुकी दोस्तों, स्टार्टिंग का पहला कॉइल कंप्लीट हो चुका है। और देखिए दूसरा कॉइल डालने से पहले हमेशा पेपर को दबा लेंगे। और देखिए इसके तरीके से मैंने 2 कॉइल डाल लिए हैं इसके, और लास्ट कॉइल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम परफेक्ट समझ में आए और वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं बीच में स्किप कर देता हूँ वीडियो। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा रनिंग पे स्टार्टिंग का पहला कॉइल चल के आया, तो यानी कि अब ये डबल राउंड हो गए रनिंग स्टार्टिंग मिला के। और ये देखिए खाली स्लॉट में डबल राउंड, ये देखिए दूसरे स्लॉट में पहला राउंड था ये, अब ये दूसरे राउंड में हमारा कॉइल कंप्लीट हो चुका है। और फरमा दोस्तों जो इसकी कोर साइज है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम फरमा हमारा एक्यूरेट सेट हुआ है। इस तरह की कोई कोर आती है तो आप इस तरीके से फरमा सेट कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा कॉइल, जब कि आपको दूसरा कॉइल टाइट पड़े तो हल्का सा कॉइल को तोड़ कर डाल लीजिए, इससे आपको कॉइल छीलेगा नहीं और आसानी से कॉइल आपका डल जाएगा। ये देखिए हल्का सा मुझे कॉइल डालने में परेशानी हो रही है, तो स्केल की मदद से जब कॉइल को एकदम बिल्कुल सीधा करके ये देखिए कॉइल आसानी से डल जाएगा बस। यानी कि आपको स्केल से हल्का सा कॉइल को अंदर की ओर इशारा करना होता है तो कॉइल आपका आसानी से डल जाता है। ये देखिए रनिंग स्टार्टिंग डल के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों डलने के बाद हमेशा कॉइल को सेट कर लेते हैं, जिससे कि जब आप धागा मारेंगे तो आपकी जो वाइंडिंग है एकदम एक्यूरेट साइज आएगा और कॉइल आपके एकदम एक्यूरेट आएंगे। ये देख लीजिए अब आप फिनिशिंग, उसके बाद मैं धागा मार के कंप्लीट करता हूँ। और धागा दोस्तों आप जब भी मारेंगे एक स्लॉट छोड़ के एक स्लॉट धागा मारेंगे। ये देख लीजिए किस तरीके से मैं धागा कंप्लीट कर रहा हूँ अपना। ये देखिए कॉइल को एक हाथ से दबाते हुए चलेंगे और दूसरे हाथ से धागे को अंदर की ओर, क्योंकि जब आप एक हाथ से धागे कॉइल को दबाते हुए चलते हैं और दूसरे हाथ से धागे को खींचते हैं तो इससे आपको डबल फायदा मिलता है। एक तो आपका कॉइल हाथ से भी दब रहा है और जब आप धागे से खींचेंगे तो उससे भी खिंचाव पड़ रहा है, तो आपका कॉइल एकदम एक्यूरेट सेट हो जाएगा। ये देखिए दूसरी साइड दोस्तों, जिस तरीके से हमने रनिंग के कनेक्शन किए थे उस तरीके से स्टार्टिंग के कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। और दोस्तों ये देखिए अब मैं लीड निकाल रहा हूँ मेन रनिंग में, दोस्तों हम ग्रीन निकाल रहे हैं और स्टार्टिंग में निकालेंगे ब्लैक। ये देख लीजिए इसमें दोस्तों हम 4 तार के कनेक्शन निकालेंगे, सिंगल स्पीड में निकाले हमने इसके कनेक्शन। ये देख लीजिए दोस्तों हमेशा इस तरीके से निकालें ताकि जोड़ आपके प्रॉपर लग सके। ये देख लीजिए किस तरीके से मैं बेल्ट लगा रहा हूँ तार में, ताकि लीड आपके एकदम कॉइल का जो वायर आ रहा है उससे आपस में अच्छी तरह कनेक्शन कंप्लीट सही तरीके से हो जाए और जोड़ हमारा आसानी से प्रॉपर लग सके। और इसके ऊपर दोस्तों स्लिप बना देंगे, 3 नंबर की स्लिप का यूज़ कर रहे हैं हम। ये देख लीजिए ये स्लिप हमने बना दिया इसके ऊपर। और ये देखिए धागा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके की स्ट्रेचिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।